अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। काफी टाइम बाद, शायद एक या दो वीक बाद आपको हम नजर आ रहे हैं। लेकिन चलो, हमारे पास रिकॉर्ड के एपिसोड्स होते हैं, वो लगा देते हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ, बेसिकली आपको पता ही होगा कि मैं उसको व्हाट्स इन द कप के अंदर डालती हूँ सारा कुछ। लेकिन बेसिकली यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं अबाउट डिसेबिलिटी। बहुत शुक्रगुजार हूँ हमेशा, डॉक्टर यूसुफ टाइम देते हैं अपने बिजी स्केड्यूल से, और उनको मैं जिस टाइम कहते हैं रिकॉर्डिंग के लिए वो आ जाते हैं। और मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो हमारी बाकी वीडियोस को देखते रहे हैं, जिन्होंने हमारी वीडियोस को बहुत पसंद किया है और बहुत अच्छा फीडबैक भी आप लोग दे रहे हैं। इवन फॉरनर्स भी कहते हैं कि आपके टाइटल्स तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन बीच में लैंग्वेज कोई और होती है, तो अभी उनको बताना पड़ता है कि पाकिस्तानी भी बहुत अच्छी डिस्कशंस कर सकते हैं और बहुत अच्छा सोच भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। और डिस्कशन जब तक नहीं होती तब तक हम किसी भी बात का सोल्यूशन नहीं निकालते। तो आज मैं सबसे पहले डॉक्टर यूसुफ को वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर यूसुफ, क्या हाल आपका और क्या कैसा चल रहा है सब कुछ? जी बिल्कुल ठीक ठाक मैडम, आप सुनाइए। और बाकी जो है वो हमारा फिर वही मिशन कि हमारी बात सुन के अगर कोई चंद लोग भी जो है वो इससे कुछ सीख लें या कुछ उनको मिल जाए तो मेरा ख्याल है हमारे लिए काफी है। और जिस मिशन पे डॉक्टर साहबा ये काम कर रही हैं तो हम भी कोशिश करते हैं कि अपना जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है वो हम देते हैं। लेकिन ज्यादा इनकी बात है कि ये एक ही सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, इनके चूंकि एट अ टाइम काफी सेशंस मुख्तलिफ आप लोग इनको सुनते भी होंगे देखते भी होंगे, तो माशाल्लाह अच्छा वर्क कर रही हैं। हमें खुशी होती है कि आज भी लोग जो है वो अच्छा और पॉजिटिव सोचते हैं। सर, जब आप देखते हैं ना कि माशरे में जो है ना, जो चीज होनी चाहिए जब वो नहीं हो रही होती ना, जब तो आपको पता है किसी ना किसी को तो स्टेप लेना ही पड़ता है। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी फिर जो है प्रोफेशनल्स के ऊपर ही आती है, या जिनको थोड़ा अल्लाह ने हुनर दे दिया, जिनकी थोड़ी एजुकेशन है उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है। अब कोई जिम्मेदारी ना महसूस करिए उसकी अपनी वो होती है, लेकिन हम तो अपना काम जारी और सही रखेंगे और कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते भी रहेंगे। अच्छा, आज हम जो है, क्योंकि मैं जो सुन रहे हैं उनको कहना चाहूंगी, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करें, दैट इज बिकॉज अबाउट गेम्स, कि कितनी गेम जरूरी है, क्या स्पेशल पर्सन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जिनकी कोई डिसेबिलिटीज होती है, हिडन डिसेबिलिटी है चाहे, या जो नजर आती है डिसेबिलिटी वो आई डिसेबिलिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कोई टाइप होगी है, या फिजिकली इम्पेयरमेंट है कोई, या विजुअल या हियरिंग का कोई है, ये हियरिंग एड लगाते हैं, तो ये सब क्या ये लोग गेम खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते? और अगर आपको शायद कुछ आइडिया हो हमारे डिस्कशन से, तो हम बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन की बात करते हैं कि सोसाइटी में इन लोगों को कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है और कैसे मौके दिए जा सकते हैं और ये भी बहुत अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हम कुछ स्पोर्ट्स की बात करेंगे, कुछ स्पेशल ओलंपिक्स की बात करेंगे, कुछ पैरा ओलंपिक्स की बात करेंगे, कुछ डॉक्टर यूसुफ के करियर की बात करेंगे, जो कि उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट में काफी, और हमने बहुत दफा देखा हमारी ब्लाइंड क्रिकेट जीतती भी है, आउट परफॉर्म करती, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। सर, कहाँ से हम स्टार्ट करें और क्या, सबसे पहले तो हम ये स्टार्ट करते हैं कि गेम्स जो हैं या खेल जो हैं, आपको क्या लगता है कि वैसे तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि बहुत कम हो गए हमारे स्कूलों में, बहुत कम खेल होता है, ग्राउंड्स खत्म हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं वो मौजूद हैं। सो क्या पाकिस्तान में जो पर्सन में डिसेबिलिटी है उनके लिए खेलों में हिस्सा लेने के मौके मौजूद हैं? बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, मैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रही हूँ। सर, क्या उनके लिए ग्राउंड्स मौजूद हैं, उनके लिए अवेलेबिलिटी है, सहूलतें मौजूद हैं कि वो लोग जाएं और खेलों में हिस्सा लें, खेलों में पार्टिसिपेट करें और अपने आप को पॉजिटिव की चीज की तरफ लेके जाएं? तो हम कहाँ से शुरू करें, अगर कोई जानना चाहेगा तो उसको हम कैसे बताएंगे कि आप गेम्स खेलें, या कहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो हमें जो है ना वो गेम्स और स्पोर्ट्स में जो है वो फर्क वो वाजे करना होगा कि गेम्स और स्पोर्ट्स में भी फर्क है। गेम्स ये होती हैं कि जैसे आप जो इंडोर खेली जा सकती हैं, मसलन आप कोई कंप्यूटर पे गेम खेल सकते हैं, कोई लूडो, शतरंज, चेस या इस तरह की जो ये गेम्स होती हैं, दैट इज दे आर गेम्स। जो स्पोर्ट्स होती है ना वो मैदान में खेली जाती हैं, चाहे टेनिस है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, एथलेटिक्स है, इस तरह की ये जो है ये बाकायदा वो हैं जिनको गेम्स जिनको स्पोर्ट्स कहा जाता है। और ये ग्राउंड के बगैर आप नहीं खेल सकते। मतलब क्रिकेट जो है वो आप एक कमरे में बैठ के नहीं खेल सकते, उसके लिए आपको ग्राउंड की जरूरत होती है। हॉकी में भी इसी तरह। तो जो गेम्स हैं जैसे मैंने पहले आपको बताया कि गेम्स में आप एक थोड़ी जगह पे भी ये जैसे ये लोग जिमनास्टिक है या इस तरह की जो छोटी छोटी गेम्स हैं इनमें इनको इसको ज्यादा ग्राउंड की जरूरत नहीं होती, ये चल जाती है। पहले तो हमें ये चीज देखनी होगी।
उसके बाद ये होता है कि जब आप जो पर्सनल डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए अब देखना ये होगा कि कौन कौन सी स्पोर्ट्स, कौन कौन सी गेम्स जो हैं वो उनके लिए वो उसमें खेल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब आजकल तो अगर देखा जाए तो हर तकरीबन गेम ही उसमें लोगों की कोशिश होती है कि वो पीडब्ल्यूडीज को शामिल करें, और कुछ लोग शामिल होते भी हैं। जैसे अगर आप हम ओलंपिक से ही फर्ज करें, स्टार्ट करें, तो जब भी ओलंपिक्स होती है तो उसके फौरन बाद एक पैरा ओलंपिक्स मुनक्किद करवाई जाती है, जिसमें मुख्य तौर पर शामिल होते हैं। उन्होंने नाम ही पैरा ओलंपिक्स का दिया है, जिसमें आप तकरीबन उन्हीं तमाम चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि वहाँ पे थोड़े से रूल्स उनके उनके लिए थोड़े नरम रखे जाते हैं, थोड़ा सा उनको आसानी दी जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि अभी बिल्कुल ही आप उनको रिलैक्स कर देते हैं, ये कि थोड़ा सा जो उनको ईजी हो लोगों को। तो एक तो इस पे काम हो रहा है, बहुत सारे लोग इस पे रिसर्च भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की भी बहुत सारी जो टीम्स हैं वो जा रही हैं पैरालंपिक्स में। हमने हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो मेडल्स लेके आए हैं, लड़के भी गए हैं, लड़कियां भी गई हैं। और उसके बाद जो बाकी हैं, जैसे मसलन जो लोग डेफ हैं वो तकरीबन सारी ही गेम्स खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, हॉकी खेल सकते हैं, क्योंकि उनको आई साइट का इशू नहीं होता, तो वो तकरीबन सारी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसी तरह कुछ लोग हैं जो जो जैसे मैंने बताया, जो फिजिकली वीक होते हैं या जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, उनको फिर कुछ चंद गेम्स में, वो चंद स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकते हैं। अलबत्त गेम्स में उनको काफ़ी चांसेस होते हैं। जैसे मैंने पिछले दिनों मुझे एक बॉडी बिल्डर से मिलने का इत्तेफाक हुआ, वो फिजिकल डिसेबल था लेकिन बहुत अच्छा वो बॉडी बिल्डर था, और जिम में बकायदा वो जाता था और पार्टिसिपेट करता था, बल्कि उसको अली फिर कोई मुस्तफा की अवार्ड बात भी तो नहीं कर दिया रहे है। आप? जी अली मुस्तफा की बात तो नहीं कर रहे आप? हाँ, मेरा ख्याल नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे पता अच्छा, चला था कि हाँ उसका उसको कोई अवार्ड भी दिया इन्होंने। तो मतलब ये है कि ये इस तरह की ये सारी चीजें जो है वो जिसमें ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि देखें, डिसेबिलिटी होना और बात है, बाकी अलबत्ता उसकी जो उनकी बॉडी है या उनका जहन है, माइंड है, वो तो काम करता है ना, तो उसमें वो बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बल्कि बाज ऐसे भी लोग होते हैं कि जो शायद उतना अच्छा पढ़ नहीं सकते, लेकिन उतने गेम्स में, स्पोर्ट्स में खिलाड़ी जो हैं वो अच्छे होते हैं और वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमेशा ऐसा होता है। बल्कि आम स्टूडेंट्स में भी अगर आप देखें तो बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जो अच्छा पढ़ते भी हैं और अच्छा खेलते भी हैं। तो और ऐसे लोग जो हैं वो बड़े गॉड गिफ्टेड, बड़े टैलेंटेड होते हैं और वो मिल जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो ये होता है कि जो लोग अच्छा खेलते हैं वो फिर जाहिर है एक ही तरफ तवज्जो दी जा सकती है। आजकल के दौर में आप मल्टी टैलेंटेड बहुत कम लोग होते हैं, तो ये सारी चीजें भी चलती हैं, यानी स्पोर्ट्स में भी, गेम्स में भी। हमारी जो टीम्स हैं पाकिस्तान की, जैसे वो चलती हैं। अगर हम VIs का देखें, जो ब्लाइंड क्रिकेट का, तो पाकिस्तान में तकरीबन 1960 से ब्लाइंड क्रिकेट जो है वो चल रही है। पहले जो क्रिकेटर थे हमारे उस्ताद ही थे आगा शौकत साहब, और वो पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के पहले चेयरमैन भी थे। 98 में इस तंजीम की इसकी बुनियाद रखी गई थी, और मुझे भी ये शर्फ हासिल है कि मैं कोई 3 साल इसका जो है वो डायरेक्टर रहा, तकरीबन 2006 से 2009 तक। और उस दौरान हमने पाकिस्तान में वर्ल्ड कप भी करवाया, पाकिस्तान ने बहुत सारे, आपको पता होगा, वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान ने जो है वो जीता है, और यहाँ भी पाकिस्तान के लोगों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो ये सारा जो क्रेडिट है जो ब्लाइंड क्रिकेट का, मैं समझता हूँ कि वो जाता है आगा शौकत साहब को, जो हमारे बानी भी थे और हमारे पहले बाकायदा खिलाड़ी भी थे। उनके साथ अब जो मौजूदा चेयरमैन है पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के, सैयद सुल्तान शाह, वो भी इसमें काफ़ी उनका भी रोल है, और वो भी आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमने तो खैर उनको फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए थे, काफ़ी चीज़ों पर हम काम कर रहे थे। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि तंजीम तो हमारी बन गई, या काउंसिल तो काम था, बहुत बड़ा टास्क था उस वक्त। फिर हमारे जो आगा साहब हैं वो गए, तो उस वक्त के जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे उन्होंने बड़ा साथ दिया, और वो अब हम बकायदा क्रिकेट बोर्ड के साथ अफिलिएटेड हैं। यानी
क्रिकेट बोर्ड अब हमें जो है वो सपोर्ट करता है, चाहे थोड़ा करे लेकिन करता है, वो पाबंद है इस चीज का कि वो हमें थोड़ा बहुत जो है वो सपोर्ट करता है। फिर हमने मजीद आगे भी हम लोग गए थे, तो हमने जो गर्ल्स हैं लड़कियां हैं उनकी भी क्रिकेट हमने स्टार्ट करवाई थी, लेकिन उस वक्त तो वो प्रोजेक्ट जो था वो बड़ा कामयाब रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अभी वो चल रहा है, मेरे ख्याल उस पर काम हो रहा है, क्योंकि मैं फिर जब उसको मैंने छोड़ दिया तो फिर दोबारा नहीं जा सका वहाँ, लेकिन वो बहरहाल उनका अच्छा प्रोजेक्ट था हमारा, हमने स्टार्ट किया था और काम बड़ा अच्छा हमारा जो है वो चल रहा था। सर, जो आपने एक मेंशन किया है, दो तीन चीजें जैसे पॉइंट्स हम उसको लेके डिस्कशन कर सकते हैं। तो आपने गेम्स और स्पोर्ट्स का डिफरेंस बताया लोगों को, लेकिन मैं यहाँ पे ना एक और चीज जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए एज अ साइकोलॉजिस्ट की तरह हमें आइडिया कि गेम्स बच्चों के लिए कितने जरूरी है, या एज अ मेल जैसे आपको आइडिया कि गेम्स कितने जरूरी है, लेकिन हमें शायद पहला जो दौर था थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो उसमें स्पोर्ट्स बहुत थी। जैसे मैं अभी बात करती थी तो मैंने कहा था कि पहले तो हर जगह स्पोर्ट्स ग्राउंड थे, अब हर जगह कॉलोनीज बन गई हैं, तो ग्राउंड्स खत्म हो गए हैं, तो बहुत स्पेसिफिक जगह थे जहाँ पे लोग जाते हैं, और स्पोर्ट्स का कल्चर खत्म हो चुका है। इंडोर गेम्स में जो पबजी है या कोई भी गेम्स होती हैं, वो बच्चे बहुत ज्यादा खेल रहे हैं, बच्चों को वो एग्रेसिव भी कर रहे हैं। हमने बहुत सारे वाकई रिपोर्ट होते देखे जिनमें किलिंग्स तक की नौबत आ चुकी है, बिकॉज उनको इतना पुरुषोत्तम उनको गेम्स बना देती है। लेकिन एज कम्पेयर टू जो फिजिकल स्पोर्ट्स होती है, उसमें आपकी एनर्जी भी जाती है, उसमें आपका एग्रेशन भी निकलता है, उसमें आपकी बहुत सारी पॉजिटिविटी जो है नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हम अगर हम बात करना चाहें इस कल्चर की तरफ लेकर आए अपने उसको, या इसको अगर इंडस्ट्री को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाया जाए, तो हमारे बहुत सारे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं, जैसे स्पेशल अगर मैं थोड़ी सी स्पेशल बच्चों की बात करूँ, या जो मैं थोड़ा ADHD जिन बच्चों को होता है, या थोड़ा ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, उनकी बॉडी बहुत बैलेंस्ड बॉडी होती है कुछ बच्चों की, और उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। और मैं तो कुछ बच्चों को एक वो ये जो एक पेरेंट ने मुझे अपने बच्चे के बारे में बताया था कि उनका बच्चा जो है ना वो किसी चीज के ऊपर चढ़ता है, तो उनके ऊपर ना उनके उसमें ना छोटे से वो दराज टाइप का है, उसके ऊपर अपनी बॉडी को बैलेंस कर लेता है, यानी कि उसके बॉडी का बैलेंस इतना अच्छा। और मैंने बाकी और बच्चों को भी देखा, उनके अंदर फिजिकल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और कुछ रिसर्चेस हमारे सामने, मैंने कुछ रिसर्चेस पढ़े जिनमें जिन कल्चर्स में गेम्स ज्यादा है वहां पे मसाइल कम है, यानी कि वहां पे बच्चे अपने आप को मैनेज कर रहे थे, अपने एग्रेशन को मैनेज करते, अपने सिम्टम्स को किसी हद तक मैनेज कर पाते, लेकिन जहाँ पे नहीं है ये कल्चर वहां पे मसाइल बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। और आजकल मेरे ख्याल से मसाइल आने की बहुत ज्यादा रीजन ये भी है कि स्पोर्ट्स खत्म हो चुके हैं। लेकिन अगर हम पेरेंट्स को इसकी तरफ वो करना चाहें, माइल करना चाहें, तो क्या आपको लगता है ना कि हमारे बहुत कम प्रमोट हो रही है गेम्स ये वाली, यानी कि अगर हम बाकी स्पोर्ट्स को देखें वो किसी ना किसी हद तक हो जाते हैं, लेकिन जो स्पेशल ओलंपिक्स है या पैरालंपिक्स है या इस किस्म की जो गेम्स होते हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी करते हैं, वो बहुत कम प्रमोट होती हैं, या कोई ऐसा कोच होता है जो उन बच्चों को अपने साथ ले लेता है, जैसे कुछ लोगों को मैं जानती हूँ जो टेनिस खेलते हैं, स्क्वाश खेलते हैं, वो किसी कोच ने उनको कोचिंग दे दी, तो क्या क्या रीजन है जो प्रमोट नहीं हो रही है गेम्स इतना, या क्या रीजन है ये जो ये इवन जो एफर्ट्स हो भी रही है उनको क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा? हाँ जी बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब आपकी बात ठीक है कि चूंकि जो स्पोर्ट्स होती है ना उसमें आपकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होती है और आप बहुत सारी गलत चीज़ों से जो है वो बचे रहते हैं। जो गेम्स होती हैं चूंकि वो आप एक खास जगह पे बैठ के खेल सकते हैं, खास जगह पे एटमोसफेयर में खेल सकते हैं, तो वहाँ पे जैसे ये अब कंप्यूटर खास तौर पे जब से ये कंप्यूटर गेम्स आई हैं तो उसके बाद तो बहुत सारे मसाइल शुरू हुए हैं। लोग मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, टैबलेट पे, आईपैड पे, जिस पे भी मौका मिलता है वो गेम्स खेलने शुरू कर देते हैं, और खास तौर पे जब से पबजी और इस तरह की जो गेम्स आई हैं तो उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो मसाइल बढ़े हैं। उसकी वजह ये है कि चूंकि इस गेम में आप किसी से बात चूंकि इस तरह नहीं हो पाती, जैसे फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता लोगों के साथ, गपशप नहीं होती, थोड़ा आप बातचीत नहीं कर सकते, तो एक अकेला ही बंदा समझ लें कि वो सारी चीजें मैनेज कर रहा होता है, वही उसको करता है, अरेंज करता है, वही मैनेज करता है, तो उसमें फिर वो साइकोलॉजिकली अपसेट हो जाता है। आप जाहिर है इस चीज को ज्यादा बेहतर समझती हैं कि जब तन्हाई में आप इस तरह की ये करेंगे तो सबसे बड़ा जो नुकसान ये होगा कि आप मेंटली परेशान हो जाएंगे, प्रॉब्लम में आएंगे। तो इस वजह से एक तो ये सबसे बड़ा इशू आया कि जो ये इस तरह की जो गेम है उसकी वजह से बहुत सारे लोग हमारे
एक अजीब सी उलझन का और एक अजीब से जो है वो डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये रही कि किस तरह इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो हुआ असल में ये है कि पहले, आज से कुछ अर्सा पहले अगर आप देखें तो उसमें होता था कि स्कूल्स में बकायदा ग्राउंड्स होते थे और बच्चों को ग्राउंड में, मुझे याद है हम लोग जब स्कूल में जाते थे तो हमारी बकायदा तौर पे ये हमें ट्रेनिंग करवाई जाती थी, 1 घंटा हमें हर सूरत में ग्राउंड में गुजारना होता था, चाहे हम क्रिकेट खेलें, वैसे मतलब वो फिजिकल एक्सरसाइज कर लें, दौड़ लगा लें या कुछ भी कर लें, इस तरह के जो भी काम है, तो वो इस मतलब उसमें वो सारी चीजें हम शामिल होती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, एक तो ये कि थोड़े से लोग भी शायद उस तरह पार्टिसिपेट नहीं करते, दूसरा ये है कि देखें जो जो भी PWDs हैं उनको सिखाना वही सिखा सकता है जो उनकी नफ्सियात को, उनकी साइकोलॉजी को, उनकी साइकी को अच्छी तरह से समझता हो। तो एक तो सबसे बड़ा हमारे पास जो ये है कि जो कोचिज हैं इन गेम्स के रेलेवेंट, वो बहुत कम है जो कि इनको ये सारी चीजें सिखा सकते हैं। अगर हम ये काम करें कि पहले तो हम ऐसे को कोचिज तैयार करें, ऐसे वो जो जज्बे के साथ, क्योंकि ये प्रोफेशनल के साथ साथ ना, इसमें प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात आती है वो जज्बा है कि आप कितने शौक से सिखाते हैं। मतलब हमारे जो कोच थे क्रिकेट के, तो वो चूंकि हमारे हॉस्टल स्टूडेंट भी थे, वहाँ स्कूल में ही थे, तो उनको हमारी सारी चीज़ों का पता था कि अभी इनके साथ कैसे हमने मैनेज करना है, कैसे इनको समझाना कैसे है, बताना कैसे है, बॉल की आवाज़ कैसे सुननी है, ये सारी चीज़ें वो समझते थे। इसी वजह से उन्होंने बहुत अच्छी कोचिंग की पाकिस्तान की। अभी भी मेरा ख्याल वो पाकिस्तान की कोचिंग स्टाफ में है, जो हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम। तो इस तरह के जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, या जो एक जज्बे के साथ काम करने वाले लोग हैं, वो हमें दरकार हैं जो कि इन चीज़ों को समझे। और दूसरा ये कि हमारे जो सिलेबस है उसमें भी इस चीज़ को शामिल करना चाहिए कि भाई जो लोग जहाँ पढ़ना लिखना ज़रूरी है, वहाँ फिजिकल फिटनेस के लिए खेलना, दौड़ना, भागना, या अपने आप को कहीं ना कहीं मसरूफ रखना, कोई ना कोई ऐसी कोई एक्टिविटी, कोई कोई जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि अभी हमें हमारे जो सेंटर्स, अब देखे ना सेंटर्स तो हमारे पास बन गए हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स भी हैं, लेकिन मसला ये है कि कुछ बिल्डिंग जो है वो तो चलिए सरकारी हैं, कुछ हैं जो रेंट पे लेके उन्होंने स्कूल या सेंटर्स बनाए हुए हैं, वहां पे ग्राउंड्स नहीं है। तो इस चीज का बंदोबस्त होना चाहिए, गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए, या जो बाकी एनजीओज हैं, कि भाई जो भी बिल्डिंग बनाए या जहाँ भी ये लोग जाएं, तो कम से कम एक अच्छा ग्राउंड जो है तो स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, वो बहुत जरूरी है। और ना सिर्फ जरूरी है बल्कि उसमें ये भी करें कि तकरीबन जो है ना वो एक उनको लाजमी करार दें कि जी 1 घंटा कम से कम शाम के वक्त जो है, या समझ लें कि कोई 4 से 5 बजे या 5 से 6 बजे, तो वो वहां पे गुजारना बड़ा जरूरी है। इससे बड़ा फर्क पड़ जाता है। आप देखें देखें बेशक आप गेम खेलें ना भी, लेकिन जहनी तौर पे आप काफी रिलैक्स हो जाएंगे, लोगों को खेलते हुए देखते देखेंगे या थोड़ी बहुत उसमें इन्वॉल्वमेंट भी रखेंगे, तो उसमें काफी मेरा ख्याल है कि बेहतरी आ जाएगी। सर, जैसे अभी आपने बात की कि ये जो अगर कि ग्राउंड्स अवेलेबल हो या स्पेशल तरह की कोचिज मतलब आ, 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 वो करें, इनको ट्रेन करें, पर हमारे साथ इंस्टीट्यूशन में एक सर थे, तो उनको ना बिल्कुल चीज का आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी ना उनको ना उन्होंने सीखा। बेसिकली वो जिमनास्टिक जिमनास्टिक नहीं, ट्राइकोंडो के टीचर थे, तो खुद भी चैंपियन रहे। में ये जो नेशनल होती है उसके वो काफी चैंपियन रहे उनकी। उन्होंने अपना क्लब भी, अपने भाई को भी तैयार करें, अपनी टीम को तैयार करें, और खुद बड़े कॉम्पिटेंट टीचर थे, मतलब खुद बड़े कॉम्पिटेंट प्लेयर खुद थे। फिर वो बच्चों को तैयार करते, अभी उनके उन्होंने ना सिर्फ जहाँ पे स्कूल में काम करते थे वहां पे थे वो, बल्कि उनका जो क्लब था उसके अंदर भी वो बच्चों को ट्रेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, सेरेब्रल पाल्सी इस किस्म की होगी, या जिनमें थोड़ी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के थोड़े केसेस होते हैं जिनमें बॉडी स्टिफनेस आ जाती है, तो उसमें मुझे करके दिखाते थे कि ये मेरा बच्चा, इसने इतना इम्प्रूव किया है, अब ये किस तरह से लगा सकता है या पाँव को इस तरह से उठा सकता है। तो वो इम्प्रूवमेंट जो फिजियोथेरापिस्ट काफी मेहनत से करते हैं या वो उनको टाइम चाहिए होता है, इससे बेसिकली हमें पूरी बॉडी की कोऑर्डिनेशन हेल्प करती है। फिर हमारे बहुत सारी डिसेबिलिटी में आपने देखा होगा सर, आपको खुद भी इस चीज का आइडिया होगा कि बैलेंस नहीं होता बॉडी में, थोड़ी वॉक डिफरेंट होती है, या फिर
वो पिजन वॉक कहते हैं, और एक कुछ दो और तरह की वॉक्स होती है, वो थोड़ी सी की वॉक होती है जिसमें बच्चा बार बार गिरता भी है और कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता। और उसका हल ये स्पोर्ट्स ही होती है, उसका हल ये गेम्स ही होती है। जब तक आप ये गेम्स नहीं बच्चे खेलेंगे, उस वक्त तक जो है उनको उनके बॉडी पे बैलेंस नहीं आता, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता। बहुत सारे बच्चे जिनको फिजिकल डिसेबिलिटी रहती है, उनको वॉक करने में इशू होता है, उनको डर लगता है क्योंकि वो बार बार गिरते हैं। तो स्पोर्ट्स बहुत अच्छी एक्टिविटी थी। फिर जब एक प्यूबर्टी का लेवल आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, या अभी बच्चों प्यूबर्टी ही हिटने की 12-13 साल के बच्चे बच्चे बहुत अग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं, तो उनका उनके लिए गेम्स बहुत अच्छी एक्टिविटी है उनको इन्वॉल्व करने के लिए। लेकिन वही बात है कि क्योंकि मैंने ये डिस्कशन, जैसे मैं बता रही हूँ, कुछ टॉपिक्स में ढूंढती नहीं, मैं चाहती हूँ आप हम डिस्कस करते हैं, हमने इनके बहुत कम डिस्कशन होते हुए देखा। अभी तो कभी बार मैं लोगों के साथ हंसती भी हूँ कि जिन टॉपिक के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो लोगों ने उठाने शुरू कर दिए, वो लोग प्रेजेंट कर रहे होते किसी किसी ना किसी ना किसी फॉर्म में, या फिर ऐसा करते कि उन्होंने जो है प्रेजेंट वो ना वर्कशॉप बना लिए टॉपिक्स पे जिनको मैं ऐसे ही कर रही होती, मतलब आपसे डिस्कस कर लिया या किसी ऑफर में डिस्कशन कर ली, और वो बिजनेस, मैं कभी हंसती हूँ कहती हूँ उन्होंने बिजनेस बिजनेस बना लिया इस चीज को, लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड कि उसके इम्प्लीकेशन ये कितने तो गंभीर हैं। डॉक्टर बोले सर, आप बोले। साहब, ये इस तरह के जो चीजें हैं ना जी, ये तो चलती है, जी ये बिल्कुल चलती है, उसकी वजह ये होती है। देखें, हम एक काम कर रहे हैं, हम एक प्रोजेक्ट पे या एक सोच पे, एक थिंकिंग पे, अब अगर है उस सोच जो वो चीज की बात कदम पे जो है वो जिम खुले हुए हैं। अच्छा, अब कोई भी बंदा अगर पीडब्ल्यूडी जो है वो जाते हैं जिम में, तो उसमें क्या होता है कि जी लोग उसको ना बड़ी बातें हो, यार ये मुश्किल हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो जो लोग थोड़े से जरा अच्छे होते हैं वो उनको फिर सिखाते भी हैं, और उनके साथ वो मतलब बाकायदा, जैसे आपने वो कोच साहब का रेफरेंस दिया तो वो लोग तैयार भी करते हैं। तो ये जैसे मैंने कहा ना, सबसे बड़ा जो बात है पाकिस्तान में, सबसे बड़ी वो ये है कि हमारे पास जो कोच हो ना, उनको वो एक जज्बे के तहत अगर आए तो फिर वो ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि चलिए अगर हम प्रोफेशनल भी लेते हैं, तो जितना प्रोफेशनल को बाहर पे करते हैं, जाहिर बात है उतना यहाँ पे नहीं होता। इस वजह से भी लोग जो है वो इस तरफ नहीं आते। हालांकि ये बहुत अच्छी वसी फील्ड है, इस पे अगर वो कोचिंग सीखें या लोगों को ट्रेन करें तो अच्छा खासा उनको फायदा हो सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ इतनी ज्यादा काम की कोई अर्निंग नहीं है, जैसे अगर आप वेस्ट में होते तो एक जो पीडब्ल्यूडी है वो अगर वो खेलना चाहता है तो वो लिख वहाँ उनको डिपार्टमेंट को भेजता है कि जी मुझे कोच चाहिए, तो वो बकायदा उसको कोच हायर करके देते हैं, उसको बकायदा पे करते हैं वो सारा, वो फिर बकायदा वो चूंकि प्रोफेशनल्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, वो ट्रेनिंग करते हैं सारा। यहाँ पे इशू ये होता है कि जो लोग आप अपने शौक से ही कोई काम करते हैं या फिर अपने जज्बे के साथ आप कोई काम कर सकते हैं, प्रोफेशनली हमारे पास ना तो इतने अच्छे वेल क्वालिफाइड कोचेज हैं, और अगर हैं भी तो उनको भी जो है वो थोड़ा सा ये होता है कि अभी वो उतना अच्छा, जाहिर है उनको वो पे नहीं करते। जैसे एक फिजियोथेरेपिस्ट जो है, उसने अगर बच्चे को उसकी थेरेपी मतलब स्पोर्ट्स बहुत, या गेम्स जो है ये बहुत बड़ी थेरेपी है बच्चों के लिए, खास तौर पे उनके लिए जो कि जैसे आपने बताया कि भी उनको मूवमेंट में इशू हो सकता है, चलने फिरने में इशू हो सकता है, लेकिन अगर वो स्पोर्ट्स वो कैरी ऑन करते हैं तो हो सकता है कि ज्यादा एक्टिव होने की वजह से, ज्यादा मतलब काम करने की वजह से वो उसमें इम्प्रूवमेंट भी आ सकती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर हो सकता है। तो अगर तो ऐसा हो या अगर ऐसा करने की कोशिश करें तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये उस सूरत में हो सकता है कि जब आपके अंदर एक ये सोच, एक जज्बा, एक मिशन, जैसे आप एक मिशन को लेके चलें कि जी लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है हर हवाले से। हमने जैसे बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर किए, इसी तरह उसी सिलसिले में आज ये भी हम कवर कर रहे हैं कि उसमें मकसद ये है कि लोगों को पता हो कि भाई क्या क्या लोग, क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारी दस्तरस में हैं और कौन कौन सी हमें रुकावटें आ रही हैं। तो स्पोर्ट्स में या गेम्स में अभी हमें जाहिर है थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि बहुत काम इस सेंस में हुआ है कि हमारी टीम्स बाहर जा रही हैं, स्पोर्ट्स पैरा ओलंपिक्स में भी जाती हैं, क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबॉल में भी गए हैं, डेफ क्रिकेट भी, उनके भी सीरीज मुख्तलिफ जगहों पे हुई हैं, वो लोग भी जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा लोगों में एक जज्बा। अच्छा, एक और जो सबसे बड़ा मुझे याद है, जब हम लोग क्रिकेट का काम कर रहे थे, बाहर जा रहे थे अपनी टीम को लेके,
तो बहुत सारे लोग हमारे साथ आ गए कि जी आप इंग्लैंड जा रहे हैं तो ऐसा करें कि हमारे दो बंदे ले जाएं, तीन ले जाएं, ये आपके अटेंडेंट बन के चले जाएंगे। वो फिर हमने वो हमारे सर ने बड़े अच्छे तरीके से वो चीजें हैंडल की, ऐसा नहीं हुआ, होने नहीं दिया। लेकिन ऐसा हमारे पास बहुत सारे लोग आए कि जी आप हमें ले जाएं, हम आपको अटेंड भी करेंगे, हम आपका सारा करेंगे, लेकिन ये है कि वहां जाके हमने इधर उधर हो जाए। तो उस वजह से भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो मुश्किल होती हैं। यहाँ से लोग बाहर जाने के लिए तो बड़े होता है कि जी चले जाएंगे, ले जाएंगे, लेकिन वहां जाके काफी मसाइल आ सकते हैं। इसलिए तो बहुत ही सोच समझ के, बड़े मुहतात होके हमें इन सारी चीजों को देखना पड़ता है। और जब तक आप इन चीजों को समझेंगे नहीं, स्पोर्ट्स में खास तौर पे जो है वो जज्बा और सोच अच्छी पॉजिटिव, वो बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगी तो फिर आप मुश्किल में आएंगे। जैसे आपने अभी बात कही थी कि तो मुझे आपकी बात से एक बात याद आई है कि हम अभी एक दफा हमने मीटिंग किसी मीटिंग के लिए गए थे, तो उन्होंने हमें एक स्पेशल वो इवेंट था बच्चों का ही हो रहा था, वो उसमें बुलाया था। तो उसमें उन्होंने बकायदे बात बताई थी कि अक्सर ऐसा होता है कि इन बच्चों को ना, जैसे नॉर्मल बच्चे जो नॉर्मल बच्चों को बहुत सारे लेके गए हैं वहां पे इस इन ओलंपिक्स में, और वहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट की इस वजह से। मतलब नॉर्मल से मेरा जिनको कोई डिसेबिलिटी नहीं थी, तो ये चीजें होती हैं। फिर आपको पता है जब जब कोई भी इस किस्म की रीजंस होती हैं तो चीजें बहुत ज्यादा ब्लैक लिस्ट होती हैं। तो ये बात तो खैर चलो मीडिया में नहीं है, लेकिन बहुत दफा ऐसा भी हुआ है कि बहुत जगहों से कंट्री जो है हम लोगों का ब्लैक लिस्ट होके वहां से वापस आए हैं लोग, या एक जिन्हें लिस्ट में नाम आ जाता है आपके कि इनको दोबारा नहीं बुलाया जाएगा। और रीजन उसकी यही थी, एक तो उन्होंने थोड़ी सी कुछ इनको रूल्स नहीं पता थे कि अपने रूल्स को कैसे फॉलो करना है, कोई और केसेस हो गए थे। और ये सबसे बड़ी रीजन ये भी थी कि एक तो वो स्पेशल बच्चों को लेके, स्पेशल के बजाय नॉर्मल बच्चों को लेके गए थे। फिर बहुत बड़ा स्टाफ भी चला गया था उनके साथ, कोई अटेंडेंट बनकर चला गया, कोई क्या बनकर चला गया। तो आपको पता है बाहर तो चीजें बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है, हमारे यहाँ तो चीजें डिफरेंट हो सकती है लेकिन बाहर आप चीजों को डिफरेंट नहीं कर सकते। एंड लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं है कि आप अपने मुल्क का नाम वो कर रहे हैं, आपको 1000 मौके मिल जाएंगे बाहर जाने के लिए, लेकिन कोई एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती तो आप उसको जाया नहीं करना चाहते हो, उस चीज को वो करते हैं। और एट दी एंड आप ये नहीं सोचे कि आपके कोई भी गलत फैसला करने की वजह से, कोई भी किसी भी चीज के एडवांटेज लेने की वजह से आपने कितने बच्चों का बाहर जाने को रोका है। कितने स्पेशल बच्चे हो सकते जो कोई बहुत टैलेंटेड थे, दोबारा वो उस गेम में इस वजह से नहीं जा सकते कि आपने जाके कुछ ऐसी चीजें वहां पे की हैं, अपने आप की अपनी रेपुटेशन वहां पे खराब की है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं सोचने वाली हैं जिनको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। और आई थिंक और ये चीजें उस वक्त बेहतर होती है जब उनके बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। आज हमने जैसे डिस्कशन काफी की है गेम्स के बारे में की है या उसके बारे में की है। अच्छा सर, अगर हम एक और चीज अगर हमें आप कहना चाहें, जो कैंप्स होते हैं, कैंप्स बहुत कम मैंने होते हुए देखे हैं, और वो कुछ ऐसे टाइम्स जिनके बारे में लोगों को पता नहीं था। अगेन हम एक और बात बार बार करते हैं कि मीडिया की कवरेज नहीं है इन चीजों की, वो किसी एक चीज की कवरेज है लेकिन वो हर चीज को कवर नहीं करती। तो जहाँ पे कोई बंदा अच्छा काम कर, दो तीन लोग, एक दो मैंने मेंशन करी, दो तीन लोग आपने मेंशन किए हैं, अगर इनकी कवरेज ज्यादा हो जाए तो कितने बच्चे इन तक जाएंगे, कितने पेरेंट्स इनको अप्रोच करेंगे कि हमारे बच्चों को आप गेम्स में ले लें, अगर वो नहीं पढ़ पाते या वो कुछ चीजें नहीं कर पाते तो हो सकता है गेम्स में या एक अच्छी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो कैंप्स है होते हैं, कब होते हैं, अगर नहीं होते तो क्यों नहीं होते, क्या रीजन है उसकी? पहले तो डॉक्टर साहब, आपकी जो पहली बात है उसका मैं आपको जवाब दूं कि जी जब आप बाहर ये लोग जाते हैं ना, तो क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल नहीं होते, ये जो अटेंडेंट होते हैं ना, जो जाते हैं लोग, ये चूंकि प्रोफेशनल नहीं होते, इनको पता ही नहीं होता कि कैसे डील करना है हमने जो PWDs को और बाकी लोगों को। अच्छा, उसकी वजह से फिर वो मसाइल भी होते हैं। अब देखें ना, एक फर्ज करें, एक ऑटिज्म का एक बच्चा है, या एक कोई साइकोलॉजी उसका कोई इशू है बच्चे का, MR है। अब जो तो उसका अटेंडेंट होगा उसको तो पता होगा कि यार मैंने इसको कैसे डील करना है। जो लोग इस तरह फेक अटेंडेंट बन के जाएंगे वो कैसे उसको अटेंड कर सकेंगे? उनको तो पता ही नहीं होगा कि यार इसको हमने कैसे मैनेज करना है। तो एक तो सबसे बड़ी रीजन ये होती है, और दूसरा ये कि स्टाफ ओवर होते जाते। मसलन अगर एक बंदा जा रहा है तो उसने साथ घर में बताया, तो उसका भाई भी तैयार हो गया, यार मैं भी चला जाऊंगा आपको, आपके साथ अटेंडेंट बन के, तो फिर उधर से मैं ऐसे कर लूंगा या वैसे कर लूंगा, या ये है कि चलो कम से कम वीजा लग जाएगा तो फिर मुझे जाने आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तो ये इस तरह के जो क्या कहते हैं कि जो प्रोफेशनल नहीं लोग होते हैं, अनप्रोफेशनल होते हैं, उनकी वजह से काफी ज्यादा मसाइल आते हैं। रही बात जो है वो कैंप्स की, तो कैंप्स बिल्कुल होते हैं जी। खास तौर पे अगर हम VI का बताएं, तो वो लोग तकरीबन जब भी कैंप लगाते हैं
तो चूंकि वहां पे वो एक पूरा सिस्टम है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक क्लब है और वो क्लब्स को बकायदा इन्फॉर्म किया जाता है, वो फिर अपने जो बच्चे हैं उनको तैयार करके कैंप्स में लेके आते हैं। एक क्लब्स का अपना कैंप भी चलते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी चलते हैं, डिवीजनल लेवल पे, फिर उसके बाद प्रोवेंशियल लेवल पे भी कैंप्स चलते हैं, और उसके बाद फिर जब इन चीज़ों से गुजर के बच्चे आगे पॉलिश होके तो फिर उनको नेशनल कैंप में जो है वो लेके आते हैं। हाँ, ये जो बात आपकी है कि मीडिया की जो कवरेज है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हमें याद है कि जब हम लोग कैंप्स लगाते थे तो मीडिया वालों को बताते थे, वो कहते हैं जी क्या खास क्या बात है आपकी कैंप में, कैंप लग रहे हैं, आपके भी लग रहे हैं, बाकी भी लग रहे हैं, तो हम या वीआई का या डेफ का या किसी का भी, तो कम से कम जो लोग वहां पे कुछ चंद एक बंदे ऐसे भी होंगे जो उनको जो जिनकी नजर में कोई ऐसा बच्चा होगा जो उनको बता सकेंगे कि यार ये फलां जगह पे कैंप लगा हुआ है, ये वो देख के तो और लोगों को मोटिवेशन भी मिल जाती है। हमें आपने कोई और कुछ नहीं देना, तो कम से कम एक मोटिवेशन के लिए ही कम से कम आप हमें कवरेज दे दें। तो मुझे याद है मेरे पास ये डिपार्टमेंट था इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन का, तो मैं उनको बकायदा वो मुझे एक ही सवाल करते थे कि सर जी कैंप तो हर टीम का लगा, मैंने कहा यार आप एक जूनियर टीम का या पाकिस्तान टीम का जब कैंप लगता है तो आप फौरन उसको कवरेज दे देते हैं कि जनाब वो ये फलां जगह पे लग रहा है, एबटाबाद में लग रहा है, पिशावर में लग रहा है, फिर फलां जगह पे लगता है, हमें कवरेज देने में आपको क्या इशू होता है। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ये था कि मैंने मोटिवेट करके कुछ लोगों को हम लोग लेकर आए। अब जो भी कैंप लगता है तकरीबन कोई कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी रिपोर्ट अब उसकी जाती है, अब उनका जो हमारा मीडिया डिपार्टमेंट है क्रिकेट काउंसिल का वो काफी अब उस पर भी काम कर रहे हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा सा है, अगर वो डेली या जो भी कोई इस तरह की कवरेज अगर दें कैंप्स की तो ये अच्छी बात है, इससे फायदा होता है, लोग कम से कम देख के जिसको को पता चलता है कि हाँ यार ये कैंप फलां जगह पे लगा हुआ है, तो चलो और कोई नहीं तो वो देख मोटिवेट हो जाए और फिर उनके करीब में दौड़ भाग रहे हैं, फिर मुख्तलिफ उनकी ड्रिल्स होती हैं, एक्सरसाइजेस होती हैं, वो सारे जब करते हैं तो फिर वो बंदा आ, 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 फिजिकली भी फिट रहता है, मजबूत भी रहता है और काफी हद तक अच्छा वो परफॉर्म भी करते हैं। जैसे आपने बिल्कुल अभी कहा, ठीक बात ठीक बोला है। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अब हमारे भी जैसे स्पेशल ओलंपिक्स की टीम जा रही है, और बर्लिन में भी होने वाले, पता है 24 की, अभी जहन में डेट नहीं आ रही, कितनी कवरेज इसको दी जा रही है, बहुत कम दी जा रही होगी, बहुत कम दे रहे हैं। कोई एक दो प्रोग्राम वाले बुलाते, वो भी अगर आपने उनसे रब्ता करें तो वो बुलाते हैं। और इसमें बहुत सारे डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं, फिजिकली हैंडीकैप कह सकते हैं। एक जैसे मैंने बता देखा, उसके एक हाथ, मतलब फिजिकल उसका हैंडीकैप कहते, एक हाथ फंक्शनल था। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे, फिर जैसे आपने एक बॉडी बिल्डर की बात बताई, उन्होंने भी जीते हुए, उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में नेशनल में इंटरनेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रमोट करने की जरूरत है, और उनको जो रिस्पेक्ट रिगार्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिला होता, जैसे बाकी स्पोर्ट्स को मिला था। उनके पास एक और रास्ता भी है सर यहाँ पे, जो कि मुझे लगता है दैट इज स्पॉन्सरशिप। क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ वैसे भी क्रिकेट बहुत स्पॉन्सर होती है, बहुत उसके ऊपर उसमें आता है, फुटबॉल नहीं होती, हॉकी, हालांकि हालांकि हॉकी हमारा नेशनल गेम है, फिर भी स्पॉन्सरशिप की अगर देखी जाए बात तो वहां पे मिल रही होती है। एक तो हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है, कोई स्पॉन्सर इन चीजों को नहीं कर रहा होता, और उसकी पता नहीं बहुत सारी रीजन होते हैं कि क्यों स्पॉन्सरशिप नहीं। क्योंकि आपको पता है कि एक खास की डाइट चाहिए जब स्पोर्ट्स करते हैं, कोचिज को भी कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, ताकि वो एक मोटिवेशन हो गया, क्योंकि सर उसका हक भी बनता है, तो एक एफर्ट लगा रहा है किसी बच्चे के ऊपर, वो चीजें लोग बच्चों को तैयार करेगा। तो जब ये सब चीजें होंगी, जब पूरा प्रॉपर डिपार्टमेंट बनेगा और इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की जाएगी फ्रॉम द साइड ऑफ द स्पॉन्सर, तो मेरे ख्याल से क्यों नहीं फ्लरिश करेगी ये चीज, बिल्कुल करेगी। और बच्चे भी आएंगे, और लोग को मोटिवेशन मिलेगी कि हम इस एक चीज में एक्सेल कर सकते। क्योंकि मैंने आपसे कहा सर, इतनी उनमें एनर्जी होती है कि तीन चार लोग भी उनको काबू नहीं कर सकते। अगर कुछ पर्सनल डिसेबिलिटी की बात की जाए, जब उनको गुस्सा आता है तो उनके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है, तो बाकी लोगों की तो एनर्जी कहीं और निकल रही होती है, वो पढ़ाई में निकाल देते, बाकी चीज़ में निकाल देते हैं। लेकिन अक्सर इन बच्चों की जो है वो तो या तो ये लोग स्कूल नहीं जाते, बच्चों को स्कूल ही भेजा जाता है, या घर में होते हैं, सारे दिन बैठे रहते हैं, कुछ काम ऐसा करते हैं जिनमें उनकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, फिर उनका वेट बहुत बढ़ रहा होता है। आपको ये आइडिया नहीं कि अब अगर उनका वेट बढ़ रहा है तो आपने एक हद तक तो आप उसको काबू में रख सकते हैं, यानी कि उसको आप कैटल कर सकते हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसका हैवी वेट होगा, तो कितनी बीमारियां उसको हो सकती हैं, कितने बच्चे डायबिटीज, जैसे हमारी, मैं आपको कोच की एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे खुद बताया था, कहते हैं ये
खाना देखें बच्चों का, ये क्या खाना खा रहे हैं, ये दे आर ईटिंग बर्गर्स खा रहे हैं जो, और पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, तो क्या जंक फूड खा रहे हैं, और बच्चों को डायबिटीज हो जाती है, किसी को पता भी नहीं इस चीज का कि डायबिटीज बच्चों को भी होती है, कितने कम लोगों को इस चीज की इन्फॉर्मेशन होगी। और ये सब एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को बहुत केयर से रखना पड़ता है, उनकी स्पेशल डाइट होती है, कुछ लोगों को फूड एलर्जीज होती हैं, मूवमेंट जरूरी है, बहुत सारे बच्चों के लिए एक्सरसाइज जरूरी होती हैं। और हमारे यहाँ शायद साइकोलॉजिस्ट, मैंने बहुत सारे अपॉइंटमेंट देखे, आई डोंट नो कि स्पेशल डिपार्टमेंट जो होते हैं वहाँ पे फिजियोथेरापिस्ट अभी तक अपॉइंटमेंट के नहीं हुए, लेकिन जब मैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन में थी तो उस समय इतने फिजिकल जो फिजियोथेरापिस्ट थे वो इतने अपॉइंट नहीं हुए थे, क्या पता आप बोल चुके हो। तो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, और ये जरूरत भी है, बिकॉज दीज आर थेरेप्यूटिक्स, इट्स नॉट लग्जरी, इट इज नेसेसिटी एंड इट इज थेरेप्यूटिक्स फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। और हमें इस अवेयरनेस को क्रिएट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जहाँ पे बहुत सारे हम लोग, अगर बाकी प्रॉब्लम्स की बात की, मेडिकेशन की जाती हैं, इनकी तो कुछ कैपेसिटी में मेडिकेशन थी, कुछ कैपेसिटी में मेडिकेशन नहीं होती, कुछ में फर्क नहीं कर रहा होता, बच्चों को पड़ रहा होता, उसकी बॉडी उनको इतनी अफेक्ट हो जाती है, तो उनकी एनर्जी को कंटेन करने के लिए बच्चे इतने अग्रेसिव होते हैं। मैं इतनी कॉल सुनती हूँ, पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा बहुत अग्रेसिव हो रहा है, बच्चा मार रहा है, बच्चा ना सिर्फ हमें मारता है, बच्चा घर वालों को मार रहा है, बच्चे और लोगों को मार रहा है, तो ये अग्रेशन कहाँ से आ रहा है? कितने गेम्स जहाँ पे हिटिंग निकलती है, बॉक्सिंग है, किक बॉक्सिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, और बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। तो आई थिंक, जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं आपसे भी पूछूं कि आपको क्या लगता है कहाँ पे कमी है, लेकिन मुझे लगता है एक तो स्पॉन्सर नहीं है, कवरेज नहीं है, जितनी है उससे ज्यादा होनी चाहिए, और लोगों को आइडिया होना चाहिए कि दीज आर थेरेप्यूटिक्स। देखिए, जो स्पॉन्सरशिप की बात है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुझे याद है जब हम लोग भी स्पॉन्सरशिप की बात करते थे अपने क्रिकेट के लिए, तो बड़ी मुश्किल होती थी। वो कहते थे कि यार ये हम हालांकि उनको पैकेज भी देते थे कि जी आपके बैनर्स हम लगवाएंगे, आपकी सारी चीजें ग्राउंड में लगेंगी, तो बड़ी मुश्किल से जाके कोई दो चार लोग जो है वो कन्विंस होते थे कि अच्छा जी ठीक है। वो भी मतलब थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते थे, उतना ज्यादा शौक से नहीं करते। दूसरा ये होता है कि चूंकि ये मार्केटिंग होती है, तो अब जिसका ट्रेंड है, जैसे क्रिकेट का ट्रेंड है, क्रिकेट को हमेशा जो है वो स्पॉन्सरशिप मिलती है, वो छोटे से छोटे अब मोहल्ले लेवल पे टूर्नामेंट करवा ले, वहां पे भी लोग अपना जो है वो काम करते हैं, स्पॉन्सरशिप उसको देते हैं। यहाँ पे चूंकि ये मामला ये होता है कि जो आपकी बात दुरुस्त है कि जो कोचिज होते हैं, जाहिर है जब आप उनको अच्छा पे करेंगे तो वो अच्छी तरह से काम भी करेंगे। फिर जब आप इस मामला में आगे चलते हैं, अब जिस बच्चे को आपने तैयार करना है उसको डाइट भी अच्छी चाहिए, उसको खाना भी अच्छा मिलना चाहिए, उसको जो है वो अगर आप सप्लीमेंट्स देते हैं तो वो भी अच्छे अच्छे लेवल के हों ताकि उसको फायदा भी हो। और जब आप ये सारी चीजें देंगे तो फिर ही जाके जाहिर है एक अच्छा एथलीट या एक अच्छा प्लेयर जो है वो आप तैयार कर सकेंगे। अब जब आपके पास ये सारी चीजें नहीं होती तो अकेला मैं या आप अगर हम मिलकर करें तो हम कितने लोग कर लेंगे, एक कर लेंगे तैयार, दो कर लेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकेंगे। तो इसमें ये स्पॉन्सरशिप की बहुत बहुत जरूरत है, और सबसे बढ़कर ये कि कवरेज की बहुत जरूरत है कि जब भी कोई ऐसा इवेंट हो उसको फौरी तौर पर जो है वो मीडिया को चाहिए कि वो फौरन उसकी कवरेज करे, ताकि कवरेज से और कुछ हो ना हो, कम से कम लोगों के अंदर जो मोटिवेशन है, लोगों के अंदर आगे बढ़ने का एक जज्बा है जिन लोगों के अंदर, वो तो कम से कम हो, पैदा हो ना। तो ये भी बहुत बड़ी एक बात होगी कि अगर ऐसा होता है तो। ये एक तो मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए बड़ा जरूरी है कि आपके अंदर एक सबसे बड़ी ये जज्बा पैदा हो लोगों के अंदर, और दूसरी बात कि सोच आपके अंदर अच्छी हो, पॉजिटिवली आप थिंकिंग जो है वो आपकी होनी चाहिए। और कवरेज के हवाले से और स्पॉन्सरशिप के हवाले से हमें बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी होना चाहिए कि उसको जो है वो लोग कवरेज दें। अच्छा, दूसरी बात आपने जो की थी कि जी जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो सीट्स तो होती हैं, बाज़ इदारों में गुंजाइश होती है, कहीं वो रख लेते हैं कहीं नहीं रखते। तो चूंकि अभी जो पॉलिसी में, मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे जो स्पेशल एजुकेशन की या जो जितने भी इस तरह की जो लोग पॉलिसी बनाते हैं, उनको अपनी पॉलिसी में ये भी चीज़ शामिल करनी चाहिए कि जहाँ बहुत सारी वो सहूलतें लोगों को देते हैं, वहाँ स्पोर्ट्स के लिए और गेम्स के लिए भी जो है वो कोई बंदोबस्त करना चाहिए। अगर ये अभी इसमें इसका हिस्सा बना लें
ये तो शायद आने वाली जो पॉलिसी होगी या आने वाले वक्त में जब कोई काम इस तरह करेगा तो वो सारी चीजों को समझेगा और सारी चीजों को मैनेज करके जो है वो चलेगा। लेकिन चूंकि अभी आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें बेहतर होंगी तो हो सकता है कि हमारी तो बात सुन के किसी के अंदर की चीज पैदा हो या कोई बंदा ये सोचे कि अभी आइंदा जो हमने पॉलिसी बनानी है, आइंदा जो हमने कोई इस तरह का काम करना है तो उसमें स्पोर्ट्स को भी शामिल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा, पहले पॉलिसी की बात है, और जहाँ मुझे ये चीज लगती है कि ज्यादा ज्यादा इसको हम कंक्लूड करेंगे, बहुत टाइम मैंने आपका ले लिया है डिस्कशन में, मैं ये बात कहना चाहूंगी कि अगर हम इन चीजों को प्रमोट करते तो फिर हमें ये बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि हम बहुत ज्यादा ना तो सिर्फ गेम को प्रमोट करें, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देंगे इस सारे, कोई भी अगर ये इनिशिएटिव लेना चाहता है इसके थ्रू, बहुत सारे जो कोचेस होंगे, बहुत सारे जो अच्छे प्लेयर होंगे, अगर उनको थोड़ा सा ट्रेन कर लिया जाए तो वो इन लोगों को आके ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको जस्ट थोड़ी एक इनकरेजमेंट, थोड़ी सी टेक्निकलिटी सीखने की जरूरत होती है, और जब पैसेज ऑफ टाइम लोग सीख सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि जो बंदा अपना को फिट रख सकता है तो उसके लिए मुश्किल नहीं है कि वो किसी ऐसे बच्चे को ट्रेन कर सके जो कि फिजिकली उस जितना फिट नहीं है या उसकी बॉडी बॉडी इतनी कैपेसिटी नहीं है। सो आई थिंक एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा लोग होंगे, फ्लरिश करेगी इंडस्ट्री, फ्लरिश करेगी, फिर ये नेसेसिटी नहीं, थेरेप्यूटिक्स भी है बच्चों के लिए। सो इसके साथ मैं अपनी डिस्कशन को खत्म करना चाहूंगी, और सर आखिर में अगर आपको कोई अपना पैगाम देना चाहते हैं सुनने वालों के लिए, और व्हाट यू वांट टू से एट द एंड। देखिए इसमें तो बहुत सारी जो है वो भी समझने की जरूरत है बातें करने की, लेकिन ये है कि जनरली जो बात हमने की है या जिस जो हम जिस नतीजे पे पहुंचे हैं उसमें ये ठीक है कि हम जब इन लोगों को लेके आना है, इन लोगों के साथ चलना है तो फिर जॉब्स की जरूरत पड़ेगी। जाहिर है जिस बंदे ने देखे ना, जैसे मैंने कहा कि वेस्ट में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वहां पे आपको प्रोफेशनल लोग मिल जाते हैं, वहां पे बकायदा ट्रेनर्स भी हैं, वो इदारों से सीख भी हैं। आपने कोई कहा कि जी हमें फर्ज करें मैं VA हूं तो मैंने एक कोई कहा उनको इदारे के लिखा कि यार मुझे ना एक अच्छा सा ट्रेनर चाहिए जो मुझे जिम की ट्रेनिंग करवाए, तो वो बंदा उसी काम में एक्सपर्ट होगा, वो मुझे सारी वो मेरी सारी साइकी को सारी सूरत हाल को समझते हुए मुझे ट्रेन करवाएगा। यहाँ पे जो है वो चूंकि ये चीजें कम है, हाँ अलबत्ता जो बात आपकी है कि टैलेंट मौजूद है और लोगों को सिखाया जा सकता है, लेकिन उन सिखाने के लिए भी सबसे पहली बात ये कि आपके अंदर एक जज्बा ये पैदा होना चाहिए, मिशन एक सोच डिवोशन चाहिए कि हम हैं, सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन इसका ये नहीं मतलब होता। अब चूंकि जाहिर बात है देखे ना, अब एक आदमी हमें सपोर्ट कर रहा है तो उसको भी तो आखिर जरूरत है ना, वो भी अपने उसके घर की जरूरत है, बिल्कुल उसको अर्निंग की जरूरत है, उसको सपोर्ट घर में सपोर्ट की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं अगर आप अगर वही हम उनको पे करें थोड़ा सा तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से हमारे लिए काम करेगा। मसलन मुझे याद है जब हमने अपने ये कोच को रखा था क्रिकेट के लिए, हमारे फिजियो थे तो वो बेसिकली एक वो जो होता है फिजिकल एजुकेशन के टीचर एजुकेशन जी थे। बिल्कुल अच्छा लेकिन वो समझते बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना, वो बड़े अच्छे समझते थे कि भाई बच्चों को फिजिकली कैसे एक्सरसाइज करवानी है, किसी को चोट लग गई है, किसी का मसल पुल हो गया है, किसी की ग्रोइन इंजरी हो गई है तो उसको कैसे लेके चलना है। वो बड़े वो चूंकि उसकी वजह ये थी कि वो खुद अपने जमाने में फुटबॉलर रह चुके थे और वो फिर स्पेशल एजुकेशन में थे और वो लोगों को समझते भी थे। यकीन करें इतनी अच्छी वो उनकी फिजियोथेरेपी करते थे कि लोग बकायदा डिमांड जो है वो हमारे साथ यही जाना चाहिए और वो एक जज्बे के साथ काम करते। इसी तरह के जो लोग हैं अगर आप उनको पे करेंगे, अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे, अगर आप उनको हेल्प करेंगे तो यकीन करें कि वो कहीं ज्यादा शौक के साथ काम करेंगे। जो हम ये वाला जो काम करते हैं कि जिसमें ऐसे ही किसी के साथ किसी को भेज दिया चलते फिरते को ट्रेनर ले लिया या ऐसे को फिजियो ले लिया, तो जाहिर है जैसे मैंने पहले किया कि उतने प्रोफेशनल तो नहीं होंगे ना जितने प्रोफेशनल ये लोग होते हैं, उनको पता होता है सिर्फ टेक्निक्स का थोड़ा फर्क
होता है वो समझ जाते हैं। वो एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, और फिर वही बात है कि रोल यहाँ पे सोसाइटी तो स्पोर्ट्स के या बाकी गेम्स के मुकाबले में जो PWDs हैं इन्होंने पाकिस्तान में ये लोग ज्यादा लेके आए हैं। 2 दफा तो तकरीबन हम वर्ल्ड कप लेकर आए हैं, 2-3 दफा VI की जो टीम है, इसी तरह डेफ की टीम भी एक आध दफा शायद जीती है। फिर जो पैरा ओलंपिक्स है वहां पे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो तकरीबन मेडल लेके आते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान की टीम अक्सर जाती है। अब 24 में अब अगले गेम होंगे इसमें भी जाएगी कि हमारी टीम, तो इस तरह कि जो लोग हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। सिर्फ जरूरत हम पर तो हमें मिल जाती है जब हम जीते आते हैं कि देखें जी ऐसे हो, इस पता नहीं को में जरा सहूलत थोड़ा सा सोचना शुरू करेंगे। और तो चलो आज नहीं कल नहीं, हम एक उम्मीद के इस रोशन क्या कहते हैं उम्मीद हम रखते हैं जी, जब भी इस तरह के जो लोग काम करेंगे तो कहीं ना कहीं शायद जरूर हमें जो है वो रिकग्निशन या हमारे हमें जो इम्पोर्टेंस जो है वो लाजमी लोग देंगे। आई थिंक हमने बहुत ज़्यादा इस टॉपिक को एलेबरेट कर लिया, और आई एम श्योर जो हमें सुनेंगे वो इनकरेज होंगे इस चीज़ से, और हम इस चीज़ पर मजीद भी बात करते हैं कि जब 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 हमें मौका मिलेगा हम इसके बारे में मजीद बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, एंड आई होप वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन, और हमारा अगर जो लोग हमें सुन रहे हैं और आपको जो हमें देखते हैं, जो हमें काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, उनको आइडिया होगा कि हम सोल्यूशन बेस्ड बात करने की ट्राई करते हैं, और हम चाहते हैं कि किसी भी चीज का पॉजिटिव सोल्यूशन निकल, ऐसा सोल्यूशन जो हर के लिए एप्लीकेबल हो। सो मैं पेरेंट्स को बोलूंगी जहां जहां पे आपको कैंप्स नजर आते हैं काइंडली अपने बच्चों को वहां पे लेके जाएं, इन्फॉर्मेशन लेके इनके कैंप्स कहाँ लगते हैं, क्यों लगते हैं, किस लेकर किस टाइम लगते हैं। और बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है जिनकी कुछ डिसेबिलिटी होती है लेकिन वो लोकल जो भी एरियाज में होते हैं वहाँ पे बच्चे जाते हैं, अपने बच्चों को वहाँ पे लेके जाए, स्पोर्ट्स में लेके जाए, फुटबॉल खेलें उनके साथ, साइकिलिंग कराएं, उनको स्विमिंग सिखाएं, ताकि उनकी जो फिजिकल एनर्जी जो उनके अंदर आ रही हो, जो आपसे कंट्रोल शायद बाद में ना हो, उनको आज कि हमने अपने बॉडी को कैसे लेके चलना है, तो वो एग्रेशन को अपने कंट्रोल में रख सके। अदरवाइज फिर हमें भी पता है, आपको भी पता है जो लोग सुन रहे हैं, कि जब एक लेवल आता है तो फिर चीजें बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, फिर बहुत ज्यादा हाई डोजेज की मेडिकेशन देनी पड़ती है, उससे भी इनकी चीजें कंट्रोल नहीं हो रही होती। सो इसके साथ मैं सबसे इजाजत लेना चाहूंगी। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग अस एंड लिसनिंग टू अस। प्लीज अपना वैल्यू फीडबैक देते रहिएगा हम लोगों को, और अगर कोई किसी के टॉपिक के बारे में चाहते हैं कि हम बात करें, प्लीज हमसे वो टॉपिक शेयर करें, कोई स्टोरी शेयर करना चाहता है हमारे साथ, कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, हमसे पूछें, और आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, जी बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस अगर लोगों को फायदा हो तो वो यकीनन इससे फायदा उठा भी सकते हैं, और हमारी जो बात है लोगों तक, बाकी दोस्तों तक या बाकी ऐसे लोगों तक भी पहुंचाते हैं, पहुंचाएंगे बल्कि यकीनन जो के जिनको इनकी जरूरत है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।